यानी हॉस्टल हॉस्टल वार्डन वार्डन के के सिलेबस सिलेबस के के बारे बारे में में बताऊंगा बताऊंगा आपको, आपको, और और कौन 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 से से बुक बुक से से तैयारी तैयारी करना करना है है ये ये भी भी बताऊंगा बताऊंगा फ्रेंड। फ्रेंड। तो तो चलिए चलिए स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं। हैं। संभवतः संभवतः इसका इसका पेपर पेपर मैं मैं बता बता देता देता हूँ हूँ फ्रेंड फ्रेंड कि कि इसमें इसमें 300 300 से से लगभग लगभग 400 400 पदों पदों की की वैकेंसी वैकेंसी की की भर्ती भर्ती निकलेगी, निकलेगी, और और यह यह लगभग 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 बता बता रहा रहा हूँ हूँ आपको आपको जुलाई जुलाई से से अगस्त अगस्त ये ये दो दो महीने महीने के के बीच बीच में में इसका इसका पेपर पेपर हो हो सकता सकता है। है। तो तो चलिए चलिए इसका इसका सबसे सबसे पहले पहले अपन अपन सिलेबस सिलेबस देख देख लेते लेते हैं। हैं तो तो कंप्यूटर, कंप्यूटर, इसमें इसमें मैं मैं आपको आपको बता बता दूं दूं कि कि इस इस में में कंप्यूटर कंप्यूटर जो जो है है टोटल टोटल जो जो 150 150 नंबर नंबर के के क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे आएंगे और और 1/4 1/4 माइनस माइनस मार्किंग मार्किंग रहेगा, रहेगा, जिसमें जिसमें से से 50 50 नंबर नंबर का का कंप्यूटर कंप्यूटर का का प्रश्न प्रश्न रहेगा, रहेगा, जिसमें जिसमें आपको आपको 50%50% यानी यानी 25%25% पच्चीस पच्चीस नंबर नंबर लाना लाना अनिवार्य अनिवार्य है। है। अगर अगर आप आप 25 25 नंबर नंबर नहीं नहीं लाएंगे लाएंगे तो तो आप आप फेल फेल माने माने जाएंगे जाएंगे और और आपका आपका चेक चेक नहीं नहीं होगा होगा पेपर। पेपर। तो तो चलिए चलिए इसमें इसमें देखते देखते हैं हैं कि कि कंप्यूटर कंप्यूटर में में क्या 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 होगा। होगा। तो तो सबसे सबसे पहले पहले आपको आपको कंप्यूटर कंप्यूटर में में बता बता दूं दूं कि कि कंप्यूटर कंप्यूटर का का उपयोग उपयोग किस किस लिए लिए किया किया जाता जाता है, है, उसकी उसकी सामान्य सामान्य जानकारी जानकारी हो हो गया, गया, सीपीयू सीपीयू इनपुट इनपुट डिवाइस डिवाइस आउटपुट आउटपुट डिवाइस डिवाइस सामान्य सामान्य ज्ञान ज्ञान की की जानकारी जानकारी हो हो गया। गया। फिर फिर प्रिंटर, प्रिंटर, प्रिंटर प्रिंटर से से तो तो हमेशा हमेशा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते पूछते हैं हैं फ्रेंड फ्रेंड कि कि इंकजेट इंकजेट प्रिंटर, प्रिंटर, लेजर लेजर प्रिंटर प्रिंटर तथा तथा अन्य अन्य प्रिंटर प्रिंटर के के बारे बारे में। में। आप आप कंप्यूटर कंप्यूटर से से कौन कौन से से बुक बुक से से तैयारी तैयारी करें करें ये ये मैं मैं आपको आपको बता बता देता देता हूँ हूँ कि कि मंथन मंथन की की जो जो बुक बुक है, है, परीक्षा परीक्षा मंथन मंथन की की बुक बुक है, है, वो वो कंप्यूटर कंप्यूटर के के से से आप आप तैयारी तैयारी कीजिएगा कीजिएगा और और साथ साथ में में एक एक तो तो सॉल्वर सॉल्वर पेपर पेपर भी भी आप आप उनका उनका ले ले लीजिएगा। लीजिएगा। ये ये दोनों दोनों में में ही ही आपको आपको बता बता रहा रहा हूँ हूँ मैं मैं आपको आपको 40+40+ अगर अगर दोनों दोनों पढ़ पढ़ लिए लिए आप आप तो तो 40+40+ नंबर नंबर इसमें इसमें ला ला सकते सकते हैं हैं आप आप 50 50 में में कंप्यूटर कंप्यूटर में में 40+40+ नंबर नंबर तो तो आपका आपका आ आ ही ही जाएगा। जाएगा। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम के के नाम नाम पर पर इसमें इसमें सिलेबस सिलेबस में में दिया दिया गया गया है, है, इंटरनेट इंटरनेट का का उपयोग उपयोग दिया दिया गया गया है, है, वर्ल्ड वर्ल्ड प्रोसेसर प्रोसेसर स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट एवं एवं प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन के के बारे बारे में में दिया दिया गया गया है, है, एंटीवायरस एंटीवायरस भी भी और और मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया उपयोग। उपयोग। ठीक ठीक है, है, तो तो ये ये सब सब जो जो है है इसके इसके सिलेबस सिलेबस के के है, है, सी सी डी 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 वी वी डी डी गूगल गूगल अल्ट्रा अल्ट्रा विस्टा विस्टा यूट्यूब यूट्यूब की की जानकारी जानकारी ये ये सब सब दिया दिया गया गया है। है। अब अब उसके उसके बाद बाद मैं मैं आपको आपको बता बता देता देता हूँ हूँ कि कि हिंदी, हिंदी, तो तो हिंदी हिंदी में में 10 अंकों का हिंदी का प्रश्न पत्र रहेगा फ्रेंड, इसमें 10 नंबर आएंगे। और मैं आपको बता दूँ लूसेंट की बुक बहुत अच्छी बुक है, लूसेंट की बुक से आप पढ़ सकते हैं हिंदी सामान्य ज्ञान। ये आपको अगर आप पूरी लूसेंट की बुक पढ़ लीजिएगा तो उसमें 8 नंबर प्लस आपका आ सकता है, हिंदी में 8 से 10 नंबर तक के आ सकता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं अपन, इंग्लिश होगा। तो 10 नंबर क्या होगा, इंग्लिश का होगा। तो 10 नंबर इंग्लिश में, तो इसमें मैं आपको बता दूं 10 नंबर इंग्लिश में जो है स्पीडी की बुक जो है, अगर आपको नॉर्मल तैयारी करना है जैसे 4 या 5 नंबर लाना है तो आप स्पीडी की बुक ले लीजिएगा, और आपको 8 से 9 नंबर लाना है तो आप परफेक्ट की इंग्लिश की बुक ले लीजिएगा। वो बहुत जबरदस्त बुक है परफेक्ट की, उससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं इसके बाद गणित। तो गणित का 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, मैं आपको बता दूं सब कोई आरएस अग्रवाल सजेशन करते हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एसडी यादव पढ़िएगा, सेम सेम क्वेश्चन जो व्यापम एसडी यादव से उठाता है टोटल। आप इस बुक को एक बार पढ़ के देखिएगा, वो बहुत ही अच्छी बुक है एसडी यादव की, शारदा पब्लिकेशन की बुक है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर गणित के रहेंगे और उसके बाद अपन देखते हैं कि 20 नंबर गणित के रहेंगे और 20 नंबर जो है सामान्य ज्ञान के रहेंगे। तो सामान्य ज्ञान में मैं आपको बता दूं दो चीज की सजेशन करूंगा, लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक होगी और लूसेंट वस्तुनिष्ठ, लूसेंट वस्तुनिष्ठ, ये दो बुक जो आप पढ़ लीजिएगा तो आपका जीके का पोजिशन सबसे अच्छा जाएगा। तो ठीक है, ये 20 नंबर जीके के हो गए हैं। अब उसके बाद आपको बता दूं कि ये तो हो गए ये बाकी सभी के, अब इसके बाद है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ की सबसे बेस्ट बुक है हरिराम पटेल। हरिराम पटेल को अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका 15 से 17 नंबर के बीच में आपका नंबर आ सकता है अगर आप अच्छे से पढ़े तो। और उसके बाद एक होता है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के रोज में वीडियो डाल रहा हूँ फ्रेंड, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, आप देखिएगा उसमें से मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, आप 20 में से बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आपको देखने मिलेंगे। और कोई सी भी आप जो है जैसे प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी मंथली मैगजीन या यूट्यूब के कोई से भी चैनल में, आपको मैं ये नहीं बोलता कि मेरे ही चैनल में जाके देखो, आप किसी भी चैनल में जाके क्या बोलते करंट अफेयर्स के डेली नोट्स अगर मेंटेन करते हैं तो आप 20 में तो लगभग 15+ नंबर ला सकते हैं। तो ये तो टोटल थे, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि देखिए 50 नंबर कंप्यूटर के क्वेश्चन है जिसमें 25 पाना अनिवार्य है, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश, 20 मैथ्स, 20 छत्तीसगढ़, 20 करेंट अफेयर्स और 20 जीके। तो ऐसे करके टोटल क्या हो गए 150 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे ये हॉस्टल वार्डन के। और इसका संभवतः जो मैं आपको बता दूं 300 से 400 पद निकलेगा और ये 300 से 400 पद इसका पेपर जो है आपको इसका विज्ञापन जो है जुलाई अगस्त में देखने के लिए मिल सकता है और ये कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आया पसंद आएगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा।